हेलो फैन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक एम आई का नोट 10 प्रो मैक्स सेट रिपेयर के लिए आया हुआ है। और गाइज़, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, पहले एक बार मैं यहाँ पे सेट को ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ सेट को कंप्लीट ऑन होने का, ठीक है। इसके अंदर गाइस सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो जो सेट है वो बहुत लेट से ऑन होता है। दूसरी चीज़ गाइस, इसके अंदर जो सिस्टम MIUI जो रिस्पॉन्डिंग का जो प्रॉब्लम आता है वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, अभी यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम UI सेंट रिस्पॉन्डिंग जो वो कुछ इस तरीके का जो वो शो हो रहा है, और सेट आपका कंप्लीट सेट ऑन भी नहीं हो पा रहा है, और इसका जो टच है वो भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर मैं टच अगर करता हूँ ओके पे, तो ये टच जो है ना वो भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और कस्टमर का कहना ये है कि पहले इस डिवाइस के अंदर जो फ्रंट कैमरा होता है, जो कि नॉर्मली है जो काफ़ी फ़ोन में, जो इस तरीके के फ़ोन जो जैसे कि नोट टेन प्रो मैक्स में जो नॉर्मली कॉमन प्रॉब्लम है जो आ रहा है अभी, ठीक है, तो इसके अंदर भी यही पहले प्रॉब्लम आया था, और दूसरी उसके बाद जाके ये जो प्रॉब्लम अभी आपको दिख रहा है ये प्रॉब्लम भी आ गया, ठीक है। तो इस पर जितना भी टच कर लो आप, ये काम नहीं करने वाला है। फ़ोन आपका ऑन नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो ये गाइस, ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिए, ठीक है। एक तो ये टच भी काम नहीं कर रहा है, और दूसरी चीज़ अगर इस पर थोड़ा देर अगर यहाँ पर हम वेट करते हैं, देखो यहाँ पे अभी भी मैं टच कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा देर वेट भी करता हूँ तो ये जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट क्या, देखो अभी ये अपने आप ऑफ हो गया मोबाइल, अभी ये ऑन नहीं होगा इंस्टेंटली। आप यहाँ पे इस तरीके से अगर रुकोगे तो ये सेट ऑन नहीं होगा, और चार्जिंग बैटरी निकाल के फिर से लगा के ऑन करोगे तब जाके ये ऑन होगा, ठीक है। फ़ोन बिल्कुल ही नया ही है, और फर्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन करा है, और इसकी जो प्रॉब्लम है गाइस, ये जो प्रॉब्लम आता है वो हमारे CPU से आता है। तो चलो गाइस, आज हम देखते हैं इसकी CPU को रिवॉल्व करके इनकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है या नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड। तो चलो यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं।
भी फ्रेंड यहाँ पे जो है इसकी जो सीपीयू है गाइस उसको मैंने यहाँ पे रिवॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अभी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो सीपीयू है वो प्रॉपरली मैंने यहाँ पे रिवॉल्व कर दिया है। और गाइस अभी इसको चेक करेंगे जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे सिस्टम यूआई का जो फेल है जो आ रहा था, रिस्पॉन्डिंग का जो एरर आ रहा था, अभी उसको हम चेक करेंगे गाइस, ठीक है। तो चलो एक बार इसको चेक करके जो है अभी हम पहले चेक कर लेते हैं कि सेट अभी चालू हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस कि इसकी जो यूएफएस है उस पर भी कई बार हिट लग जाता है, तो कई बार उसको भी रिवॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल चलो अभी मैंने अपने सेफली तरीके से जो है इसको सीपीयू को मैंने रिवॉल्व कर दिया, बहुत ईजी वे में जो इसकी सीपीयू उसको मैंने निकाला और उसको मैंने रिवॉल्व करके जो है गाइस अभी लगा के एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सेट फिलहाल यहाँ पर अभी ऑन होता है या नहीं होता, क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम थी वो तो खैर बाद में देखेंगे, पहले सेट देखते हैं यहाँ पर चालू हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर गाइस मैं ऑन करता हूँ सेट को, तो देखो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेट फिलहाल यहाँ पे चालू हो चुका है, जो मेन जो फर्स्ट हमारा प्रोसेस है वो सेट चालू होने का, तो यहाँ पे ये चालू हो गया है, इसकी यूएफएस को रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अब जो देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था हमारा एमआईयूआई रिस्पॉन्डिंग वाला, उसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या ये दिखाता है क्या नहीं दिखाता है। तो चलो अभी थोड़ा सा पहले यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं फोन को कंप्लीट ऑन होने का, ठीक है। तो देखो गाइस सबसे बड़ा जो इसके अंदर बात है, देखो यहाँ पे फोन भी थोड़ा जल्दी ऑन हो रहा है, उस टाइम में क्या होता थोड़ा स्लो में ऑन हो रहा था सेट, ठीक है। तो इसके अंदर मेन चीज जो है गाइज वो हाथ का स्किल है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो, ज्यादा इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ज्यादा आपको जबरदस्ती सीपीयू के ऊपर काम नहीं करना है, बहुत इजी वे में जो है बहुत हल्के हाथों से उनकी ग्लू वगैरह कटिंग या बहुत हल्के हाथों से उनको सीपीयू को ओपन करना होता है। तो गाइज देखो यहाँ पे कि ये जो सेट है वो प्रॉपरली यहाँ पे चालू हो चुका है आपके सामने प्रॉपर, और इसके ऊपर सॉफ्टवेयर भी किया हुआ था, बट इसकी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर अभी बहुत कॉमन है, मतलब बहुत सारे सेट के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है जैसे हमारी नोट 10 प्रो मैक्स नोट 10 में, ठीक है। तो फिलहाल देखो यहाँ पे चालू हो चुका है, अभी हम इसका जो है वो सेटअप करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से इसको हम सेटअप करते हैं। तो इसके ऊपर गाइस एफआरपी लॉक भी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लॉक वाला सिस्टम आ रहा है। खैर गाइस इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो फिलहाल यहाँ पे जो वो ठीक हो गई है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है गाइस, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि गाइस जो भी चीजें होती है जहां तक मैं करता हूँ पूरी की पूरी चीज एक ट्यूजेट टीम के दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम होती है लाइव आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल देख सकते हो यहाँ से फोन हमारा चालू भी हो चुका है, इसके अंदर लॉक है, एफआरपी लॉक लगा होगा क्योंकि वहां पे जो लॉक का स्क्रीन है वो भी आ रहा है। तो अभी ये सेटअप तो वैसा भी नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर लॉक है गाइस। तो चलो हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक करें सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के।